नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत है आपका इस स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका टॉपिक हिंदी में चल रहा है समास, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपके तीन समास देख लिए थे और आज हम इस वीडियो में तीन समास देखेंगे। पिछले वीडियो में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास देखे थे। आज हम इस वीडियो में आपके बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है और द्वंद्व समास, इन तीनों समासों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका नंबर चार चौथा समास जो है वो है आपका द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? तो इस समास का पहला पद, यानी द्विगु समास का इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, इस समास का जो पहला पद होता है वो कैसा होता है? संख्यावाचक। या ये भी कह सकते हैं कि जिस समास का जो पहला पद है या पूर्व पद हो, कैसा हो? संख्यावाचक हो, तो वहां समास कौन सा हो जाएगा? तो वहां आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब उदाहरण, जैसे दोपहर त्रिलोक चौराहा त्रिभुवन आदि, यानी जिस समास का पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, तो वहां द्विगु समास होता है। दोपहर दो, त्रिलोक त्रि, चौराहा चौर, त्रिभुवन त्रि, तो दो तीन चार, इस तरीके से पहले पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, तो वहां समास कौन सा हो जाएगा आपका? तो वहां हो जाएगा आपका द्विगु समास। चलिए, समझ में आया होगा। नंबर पांच है आपका द्वंद समास। द्वंद समास, अब द्वंद समास क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है? तो इस समास का जो पद है, यानी पहला और अंतिम पद, दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। या उभय पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? विग्रह करने पर, विग्रह करेंगे तो या अथवा और इस तरीके से शब्द आते हैं। चलिए, तो इसकी पहचान लिख लो। इस समास का, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इस समास के दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। चलिए, पहचान लिख लो, ये तो पहचान हो गई। और भी क्या पहचाने हैं? दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह आता है, यानी दोनों ही पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। ठीक है, अगला, दोनों पद, यहां पे नो, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, दोनों ही पद एक दूसरे कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। तो द्वंद समास की पहचान क्या है? तो द्वंद समास की पहचान है कि इस समास के दोनों ही पद या उभय पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और या अथवा
आदि शब्द आते हैं, करने पर और या अथवा आदि शब्द आते हैं। जैसे लाभ हानि। अब दोनों ही पद कैसे हैं, प्रधान हैं। लाभ का भी अस्तित्व होता है और हानि का भी अस्तित्व होता है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह है, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। लाभ का हानि, विग्रह करेंगे लाभ और हानि, ठीक है। कॉमा, पाप पुण्य, ठीक है। तो ये इनकी पहचान होती है, पाप पुण्य, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म आदि। तो समझ गए आप, दोनों ही पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है, दोनों ही पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या इस तरीके से शब्द आते हैं। तो समझ गए हो गए आप। नंबर छह है आपका बहुब्रीह समास। अब बहुव्रीहि समास की पहचान क्या होती है, तो लिख लीजिए, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, समस्त पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष्य बनाते हैं। समस्त पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष्य बनाते हैं, इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसके लिए कहा गया है, तो कहा गया है कृष्ण के लिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात किसके लिए है, तो शिव के लिए है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश के लिए है। तो बहुव्रीहि समास का क्या होता है पहचान, इस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, सभी पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष बना देते हैं। पीतांबर किसे विशेष बना रहा है, कृष्ण को। चंद्रशेखर किसे विशेष बना रहा है, तो ये शिव को। और लंबोदर किसे बना रहा है, तो ये बना रहा है गणेश को। तो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास वे समास जिनका पहला पद कैसा हो, संख्यावाचक हो। वहां कौन समास हो जाएगा, तो वहां आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद समास क्या होता है, इस समास का दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है, दोनों ही पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा इस तरीके से शब्द आते हैं। और छठा है आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, सभी पद मिलकर किसी तीसरे को विशेष बनाते हैं। तो ये था आपका टॉपिक समास। समास आपके छह प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको दो वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।